नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। पटियाला के पौष इलाके पासी रोड स्थित पार्क में सुबह की सैर के लिए आए बैंक ऑफ बड़ौदा के एक सेवानिवृत्त मैनेजर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आमंत्रण पर 21 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ग्वालियर जाएंगे। पीएम वहां सिंधिया स्कूल के 125वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुरक्षा में 3000 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए जाएंगे। राजौरी और पूंछ जिले को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली मुगल रोड को आज आवाजाही के लिए बहल कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिन से मुगल रोड बंद थी, जहां भारी बर्फबारी और बारिश के चलते आवाजाही को रोक दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह जगदलपुर और कोंडा गांव में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा वेस्ट बैंक के लिए मानवीय सहायता में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। राहुल गांधी तेलंगाना में सरकारी खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज के कर्मचारियों से मिलेंगे और फिर पेदापल्ली तथा करीमनगर में जनसभाओं में भाग लेंगे। मंगलवार की रात को गाजा सिटी के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। सैकड़ों लोग यहां भर्ती थे और मेडिकल स्टाफ उनका इलाज कर रहा था। यहां कुछ शरणार्थी भी थे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जैसे ही शांति धारीवाल का नाम चर्चा में आया, सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए पूछा कि उनका नाम सूची में कैसे है। भारत और बांग्लादेश के बीच पुणे में मैच खेला जाएगा। विश्व कप 2023 में भारत ने अब तक 3 मैच खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट की राह पर है। वैश्विक बाजारों पर बने दबाव के बीच आज गुरुवार को दोनों प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने तगड़े नुकसान के साथ कारोबार की शुरुआत की। सेंसेक्स तो खुलते ही 400 अंक से ज्यादा गिर गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक पॉश इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की घटना के बीच इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लग जाने की वजह से बाहर रखे सिलेंडर में विस्फोट हो गया। मुंबई में मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार का 3 अक्टूबर महीने का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के समुचे 34 ग्रामीण जिलों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिलिस्तीन पर शरद पवार के बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तो शरद पवार को भी आतंकवाद के खिलाफ उसी भाषा में बोलना चाहिए। वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लोगों ने 2014 में बीजेपी पर भरोसा जताया क्योंकि वे बदलाव चाहते थे, लेकिन अब लोग जान गए हैं कि बीजेपी ने कुछ भी ठोस नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार मोटर वाहन निरीक्षकों और सहायक मोटर वाहन निरीक्षकों सहित परिवहन विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली अपनाई। मुंबई वालों की चिंता जानलेवा प्रदूषण ने बढ़ा दी है। शहर की हवा में 10 का स्तर दिल्ली से काफी ज्यादा मापा गया है। मुंबई प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने का मुद्दा उठाने वाले मनोज जरांगे ने एक बार फिर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी समुदाय को आरक्षण का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्य में गंदी राजनीति की निंदा किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुट सत्ता में भी है और विपक्ष में भी है। थलपति विजय की लियो का क्रेज फैंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। तमिलनाडु में तो फैंस ने दिल्ली की रिलीज का जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। थिएटर के बाहर लोग लियो के गाने पर जमकर थिरकते नजर आए। ये थी आज के टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।